गोरखनाथ मंदिर में प्रत्येक वर्ष लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मेले में स्थानीय दुकानें सज चुकी हैं, अन्य प्रदेशों से भी दुकानदार पहुंच चुके हैं। बुजुर्गों और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के झूले लग रहे हैं। इस बार मेले में रेंजर झूला आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। इस वर्ष श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएँ दी जाएंगी। मेले में फ्री वाईफाई की सुविधा रहेगी। पानी, बिजली और मोबाइल टॉयलेट का इंतजाम भी किया गया है। मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की देखरेख के लिए पुलिस के अलावा सभी विभाग मुस्तैद रहेंगे। गोरखनाथ मेले में आए हुए झूले वाले सूरज ने बताया कि करीब 5 सालों से गोरखनाथ मंदिर के मेले में झूला लगाते हैं। गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी मेला काफ़ी वर्षों से लग रहा है, जो बहुत ही सुंदर होता है। 1 जनवरी से मेले का शुभारंभ हो जाता है, जिससे काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। इस मेले में विभिन्न प्रकार के झूले लगाते हैं। ब्रेक डांस झूला, ड्रैगन झूला, बड़ा झूला आदि कई प्रकार के झूले लगते हैं, जो आगामी महीने चलते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मेला घूमने आते हैं और झूले का लुत्फ उठाते हैं। आज उन्होंने बताया कि इस बार मेले में रेंजर झूला आकर्षण का केंद्र रहेगा और 31 दिसंबर की रात में मेले में लगने वाली झूले की तैयारियां पूरी हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि काफ़ी भीड़ लगती है, लोग झूले का आनंद लेते हैं और इस बार हर साल से बेहतर और कुछ अलग मेला देखने को मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर मेले में झूला लगाने वाले सूरज एवं मेला प्रबंधक शिव शंकर उपाध्याय ने कहा। चलो जिससे आपका स्वागत है, जिससे चाहिए वो लिख सवाल किए। सूरज कहाँ है? सीतापुर से। कितने सालों से यहाँ पर राम मंदिर में मेला लगा रहे हैं? यहाँ कम तो हम आ रहे हैं 2-3-4-5 साल से। 4-5 साल से आ रहे हैं। 4-5 साल से आ रहे हैं जी। किस तरह की यहाँ मेला लगा? मेला यहाँ बहुत अच्छा ही लगता है। किस तरह की झूला लगता है? झूला अनेक झूले कई प्रकार के लगते हैं भाई। इसमें हो गया क्या क्या नाम, नाव झूला, ड्रैगन झूला, सलिम्बो झूला, ब्रेक डांस, हवाई झूला, रेंजर झूला भी लगता है। क्या कुछ नया है इस बार है? हाँ, आपकी बार कुछ नया ही झूला एक आ रहा है, टावर झूला। क्या है उसमें खासियत? उसमें खासियत ये, ऊपर जाके सीटें सब अलग होंगी। कब लगेगा वो? ये देखो आज ही रात में गिरेगा माल, 2-3 दिन में फिट हो जाएगा।
मतलब खिचड़ी मेले में कितने एक महीने का मेला रहता है? हाँ, एक महीने का। इस तरह की सुविधा आपको मिलती है? बहुत अच्छी मिलती है। क्या अंतर है इसका? अब की बार देखो अंतर बहुत अच्छा ही सजाया जा रहा है, सब बहुत अच्छे कुछ क्या होंगे ना। हाँ, कुछ अलग होगा। अलग ही होगा। क्या अलग है कि काम धाम बढ़िया होगा और डेकोरेशन भी अच्छी अब की बार सजाई गई पहले से। पहली जनवरी से मेला चालू हो जाएगा। किस तरह की तैयारी की जा रही है और कितने दिन का मेला ये होता है? ये चलेगा लगभग 1.5 महीने तक। खिचड़ी में तो मान के चलिए कम से कम 1 लाख की गैदरिंग तो हो ही जाता है। और 1 जनवरी का? 1 जनवरी का भी लगभग 70-75 हज़ार। घूमने के लिए जो लोग आ रहे हैं अपने अरे मंदिर में अपना दर्शन करते हैं, उसके बाद घूमते रहते हैं हम लोग लेकर।